हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सुल्तान अहमद सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। सुल्तान अहमद ने 1973 में आई मूवी प्यार का रिश्ता से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और ममता शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा, भारत में कमाई 45 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 86 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सुल्तान अहमद की एक और मूवी आई, हीरा। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, आशा पारेख, फरीदा जलाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा, भारत में कमाई 1,75,00,000 हुई और दुनिया में इस मूवी ने 3,18,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1978 में सुल्तान अहमद की मूवी आई, गंगा की सौगंध। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, रेखा और अमजद खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,45,00,000 रहा, भारत में कमाई 2,30,00,000 हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,11,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी अबाव एवरेज रही। 1982 में सुल्तान अहमद की मूवी आई, धर्मकांटा। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, वहीदा रहमान, रीमा रॉय, सुलक्षणा पंडित और अमजद खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रहा, भारत में कमाई 3 करोड़ हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,65,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी अबाव एवरेज रही। 1989 में सुल्तान अहमद की मूवी आई, दाता। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सनी कपूर, सुरेश ओबेरॉय, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुप्रिया पाठक और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,23,00,000 रहा, भारत में कमाई 7,52,00,000 हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1995 में सुल्तान अहमद की मूवी आई, जय विक्रांता। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, जीवा बख्तियार और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रहा, भारत में कमाई 4,81,00,000 हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,74,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। सुल्तान अहमद सर की रिलीज होने वाली डायरेक्ट की गई 6 मूवियों का जायजा ले तो इनमें से एक मूवी सुपरहिट, एक मूवी हिट, 2 मूवी अबाव एवरेज, 1 मूवी बिलो एवरेज और 1 मूवी फ्लॉप रही है। दोस्तों, आज हमने आपको सुल्तान अहमद सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताया है। सुल्तान अहमद सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।